हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आदर्श कोचिंग सेंटर पर। मैं हूं जवाहर यादव और आज के वीडियो में हम आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंटरगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान, सहायक क्रिया, नियम, सिंपल सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस के सूत्र को लिखवा दिए थे, समझा दिए थे, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरगेटिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंटरगेटिव सेंटेंस के बारे में, किस सेंटेंस के बारे में, तो इंटरगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरगेटिव सेंटेंस में हम दो सूत्र लिखवाते हैं, एक जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तब सूत्र, और दूसरा होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब सूत्र। तो क्या वाला है, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो सूत्र, जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो क्या की स्पेलिंग नहीं लिखते हैं। सबसे पहले हम विल या सिल लिख देते हैं, उसके बाद कर्ता लिखते हैं, फिर वी लिखते हैं, फिर रूप क्रिया, फिर आई एन जी, फिर अंतर, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। अब एक एग्जाम्पल जैसे लिखा है, क्या वह फल खा रहा होगा, जैसे वाक्य अंत में रहा हो गया तो हम लिखवाए थे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान की, जिस वाक्य अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आदि सब जानते हुआ वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहलाता है। तो इसमें रहा होगा क्या अर्थात फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसका मतलब यह प्रश्नवाचक वाक्य है। तो शुरू में देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा है, अर्थात जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तब सूत्र, इस सूत्र को लगाएंगे। तो सबसे पहले हम विल लिख लेंगे, विल के बगल क्या के बगल में कर्ता होगा तो ही जो है कर्ता हो गया। उसके बाद डी लिख देंगे, फिर मुख्य क्या है खाना, तो ई ए टी इट माने खाना, इसमें आई नहीं लगा देंगे, इटिंग हो जाएगा, खा रहा होगा। और सब क्या बचा, फल फ्रूट या फल लगा देंगे। आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको नोट करना चाहिए, आप लोग नोट कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल भी और हम समझा दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल और लीजिए, जैसे क्या वे शहर जा रहे होंगे, क्या वे शहर जा रहे होंगे, इसमें भी रहे होंगे आ गया, अर्थात ये अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है। तो क्या आया, तो क्या किस पर नहीं लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे विल, उसके बाद कर्ता दे लिख देंगे, ठीक लिख देंगे, उसके बाद मुक्रिया, मुक्रिया जाना है गो, इसमें ऐसा था कि आई नहीं लगे देंगे, गोई मैंने जा रहे होंगे हो जाएगा, उसका अन्य शब्द बचा अन्य शब्द आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरी तरह से यह समझ में आ गया होगा। अब हम लिखवा दे रहे हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तब सूत्र, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। अब दूसरा लिखिए, जब प्रश्नवाचक शब्द जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है तो वही सूत्र है, इसमें केवल आगे जो है प्रश्नवाचक शब्द बढ़ जाता है। तो सबसे पहले जो है हम प्रश्नवाचक शब्द को ही लिख देंगे, उसके बाद वही सूत्र लग जाएगा विल प्लस कर्ता प्लस ही प्लस किया प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगा देंगे, ठीक है। उसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लता गीत
क्यों गा रही होगी, लता गीत क्यों गा रही होगी, ठीक है। तो इस बात के अंत में भी रही हो गया आ गया, अर्थात अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा प्रश्नवाचक वाक्य है, शुरू में क्या नहीं अर्थात यह बीच वाला, बीच में खोजेंगे प्रश्नवाचक शब्द कौन है, तो यही प्रश्नवाचक शब्द है जो बीच में आया है वाक्य के, ठीक है। तो इस पर क्या करेंगे, सबसे पहले आगे ले आएंगे वाय माने क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द लिखा गया, उसके बाद क्या लिखाएगा वी, उसका सूत्र क्या करता, तो करता कौन है लता, उसके बाद बी, फिर क्या है मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया कौन है गाना, सिंग एस आई एन जी, उसके सटा के आई एन जी लिखेंगे सिंगिंग हो जाएगा, उसके बाद अन्य शब्द, अन्य शब्द कौन है गीत सॉन्ग, ठीक है। तो और लिखवा देना लिखिए हम ताव इस वाक्य के अंत में भी रहे होंगे आ गया है, तो ये भी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, शुरू में क्या रहता था बीच वाला, यही प्रश्नवाचक शब्द, इसको सबसे आगे बीच के ले आएंगे हम वेयर, उसके बाद क्या है प्रश्नवाचक शब्द के बाद विल, उसके बाद कर्ता, कर्ता कौन है हम वी, उसके बाद बी, फिर वो क्रिया पढ़ना आर ई ए आर ई ए डी आई एन ये रिडिंग हो गया, अन्य शब्द ये हो जाएगा किताब बुक। ऐसा करते हैं कि अभी आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आएगा कहीं कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस समस्या को हम दूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, तो हम दो चार वाक्य आप लोगों को बनाने के लिए दे दे रहे हैं, अभ्यास करिएगा एक्सरसाइज के लिए, ठीक है, इसको नोट करिए। तो आशा करते हैं कि हम आप इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम जो है कुछ अभ्यास के लिए आप लोग को वाक्य लिख रहे हैं, उसको आप लोग बताइएगा। क्या गाय दूध दे रही होगी, क्या लड़के खरीद रहे होंगे, क्या बिल्ली सही बनेगा, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बस थैंक यू।